अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम होपिंग डैट यू ऑल आर फाइन एंड इंजॉइंग योर ऑनलाइन क्लासेस. सो लेट्स स्टार्ट एंड कम टू द पॉइंट. वंस अगेन आवर लेसन. टॉपिक है हमारा मदर मोल और आज हम करने जा रहे हैं इसका कम्प्रीहेंशन. आपने लेसन अच्छी तरह से पढ़ा है तो आज जो हमारे करने का काम है वो है रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस. यानी ये कम्प्रीहेंशन ऑफ पैसेज है. इसमें आपके पास पैराग्राफ मौजूद है और नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं. इन क्वेश्चंस के आंसर्स पैराग्राफ के अंदर ही मौजूद हैं तो आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है. लेकिन यहाँ पर आपने काम करने से पहले यहाँ पर डे मेंशन करना है और यहाँ पर आपने डेट मेंशन. तो चलिए शुरू करते हैं पैराग्राफ की रीडिंग. ये है, मोल हैव अ राउंड बॉडी विच इज अबाउट 6 inches लॉन्ग. देयर बॉडीज आर कवर्ड विद सॉफ्ट ग्रे फर. देयर सेंस ऑफ हियरिंग एंड टच आर वेरी स्ट्रॉन्ग. Many people think that moles are blind. Actually, their eyesight is very poor. Moles have short, powerful legs and big claws to dig. They live underground and eat earthworms and insects. Moles move very quickly. अच्छा, अब लेसन इस पैराग्राफ की रीडिंग तो हम कंप्लीट कर चुके हैं. मैं एक मतलब आपको ये उर्दू में भी अंडरस्टैंड करवा देती हूँ ताकि अगर कोई कन्फ्यूजन आपके जहन में है तो आप उसको अंडरस्टैंड कर लें. मोल्स हैव अ वेरी राउंड बॉडी विच इज़ अबाउट 6 inches लॉन्ग. मोल्स की जो बॉडी है वो गोल होती है और तकरीबन 6 inch लंबी होती है. देयर बॉडीज आर कवर्ड विद सॉफ्ट ग्रे फर. उनका जिस्म जो है वो भरा हुआ होता है या कवर किया हुआ होता है नरम सुरमई रंग की फर के साथ. देयर सेंस ऑफ हियरिंग एंड टच आर वेरी स्ट्रॉन्ग. उनकी सुनने और छूने की जो हिस है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती है. मैनी पीपल थिंक डैट मोल्स आर ब्लाइंड. बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि मोल्स नाबीना होती हैं या अंधी होती हैं. Actually, their eyesight is very poor. असल में उनकी नज़र बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है. Moles have short, powerful legs and big claws to dig. Moles की टांगें छोटी लेकिन और इनके जो पंजे हैं वो बहुत ज़्यादा मज़बूत होते हैं ताकि ये अच्छे तरीके से खुदाई कर सकें. They live underground. ये ज़ेरे ज़मीन रहते हैं and eat earthworm and insects और कीड़े मकोड़े और कीचड़ खाते हैं. Moles move very quickly. Moles बहुत तेज़ी से हरकत करते हैं या बहुत तेज़ भागते हैं. अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस हैं. मैं इसके आंसर्स आपको बाद में करवाऊँगी लेकिन पहले आप क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू मोल्स लुक लाइक. मोल्स कैसी दिखाई देती हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है, विच सेंस ऑफ द मोल इज़ स्ट्रॉन्ग. मोल की कौन सी सेंस जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. इसका आंसर भी आपको पैराग्राफ के अंदर मिल जाएगा. और क्वेश्चन नंबर 3 है, डू मोल्स मूव क्विकली. क्या मोल्स तेज़ी से हरकत करती हैं. इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको पैराग्राफ के अंदर मिलेगा. और क्वेश्चन नंबर 4 है, आर मोल्स रियली ब्लाइंड. क्या मोल्स हकीकतन नबीना होती हैं. तो इसका आंसर भी पैराग्राफ के अंदर मौजूद है. आइए इसके बारे में काम करते हैं. तो हम पैराग्राफ जो है उसको पढ़ चुके हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी कर चुके हैं. अब हम इसके क्वेश्चंस करने जा रहे हैं. क्वेश्चंस की भी मैंने कोशिश की है कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए. कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके वहाँ पर अपने क्वेश्चन लिखिए तो मैं उसका आपको आंसर दे दूँगी. क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू मोल्स लुक लाइक. मोल्स किस तरह की दिखाई देती हैं. इसका आंसर है, मोल्स लुक लाइक रैट्स. मोल्स चूहों की तरह से दिखाई देती हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है, विच सेंस ऑफ द मोल इज स्ट्रॉन्ग. मोल की कौन सी सेंस जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. तो इसका आंसर है, देयर सेंस ऑफ हियरिंग एंड टच आर वेरी स्ट्रॉन्ग. तो उनकी जो छूने की और जो उनकी सुनने की हिस्से हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है, डू मोल्स मूव क्विकली. क्या मोल्स तेज़ी से हरकत करती हैं. तो इसका आंसर है, येस मोल्स मूव क्विकली.
मोल्स बहुत तेज़ी से मूव करती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आर मोल्स रियली ब्लाइंड? क्या मोल्स हकीकतन अंधी होती हैं? इसका आंसर है नो, मोल्स आर नॉट ब्लाइंड। मोल्स अंधी नहीं होती, देयर आई साइट इज़ वेरी पुअर, उनकी नज़र बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, इसलिए शायद उनको कहा जाता है कि वो अंधी होती हैं। और इसके साथ ही हमारा आज का जो टारगेट है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। आपने इसको अपने हैंडआउट्स के ऊपर लिखना है, इसको लर्न करना है, और एक मरतबा फिर आपको याद दहानी करवाती चलूँ कि आपने इस लेसन को लर्न भी करना है और घर में किसी बड़े को उसका टेस्ट भी देना है, और अपने हैंडआउट्स के ऊपर ये काम आपने साथ साथ कंप्लीट करते जाना है। एंड वंस अगेन आपको रिमाइंड करवाती चलूँ कि आपने 6 जून को ये अपना काम सबमिट करवाना है, और साथ ही आपने बेल आइकन को प्रेस करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ऑल का बटन प्रेस करना है, ताकि तमाम तर लेसन से मुतलिक जो वीडियोस हैं वो आपको बर वक्त मिलते रहें। मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।